वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर शावरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देख लेते हैं इस पनीर शावरमा को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम शावरमा की ब्रेड या फिर रोटी बनाएंगे। तो शावरमा की ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, 250 ग्राम मैदा। दही है, यहाँ पर मैंने 3/4 कप दही लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने चीनी ली है। फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर, यहाँ पर मैंने 350 ग्राम्स पनीर लिया है। पनीर को मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑरेगैनो लिया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल टोमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दही ली है, फ्रेश दही का यूज़ कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मेयोनीज ली है। शावरमा के सैलड के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कैप्सिकम, यहाँ पर मैंने 1 कैप्सिकम लिया है। 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। 1 टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने बिल्कुल पतले और लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। 1 प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने बिल्कुल पतले और लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। शावरमा के डिप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मेयोनीज, यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये ब्लैक पेपर पाउडर मैं डिप में भी यूज़ करूँगी और साथ ही मैं इसको सैलड में भी यूज़ करूँगी, तो अभी मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। तो चलिए अब हम ये टेस्टी पनीर शावरमा की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शावरमा की फिलिंग बनाएंगे, उसके लिए हम पनीर की मैरिनेशन बनाएंगे। तो मैरिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल और इस बोल में मैं ऐड कर रही हूँ दही। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी मेयोनीज। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मसाले, नमक ऐड कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑरेगानो, रेड चिली पाउडर, पिज्जा पास्ता सॉस। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है, अब हम पनीर के पीसेस को इसमें डिप करेंगे। पनीर को इस मैरिनेशन में अच्छे से कोट कर देंगे। और अब हम इसे निकाल के एक प्लेट पे रखेंगे। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर होते हैं, पनीर को हम बिल्कुल हल्के हाथ से मैरिनेट करेंगे वरना पनीर टूट भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल घर के बने फ्रेश पनीर का यूज़ किया है। आप जानना चाहते हैं मैंने इस पनीर को घर पे कैसे बनाया है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सारे पनीर के पीसेस को मैंने बैटर से कोट कर दिया है, तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम शावरमा की ब्रेड बनाएंगे। मैंने लिया है मैदा और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, शुगर, चीनी। बिल्कुल साफ हाथ से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी दही, अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे हम पराठे बनाने के लिए आटे का डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही डो हमें बनाना है। शावरमा बनाने के लिए ये सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो गया है, पर अभी मुझे ये आटा थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है तो मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। और इसे मैं बिल्कुल अच्छे से आटे के ऊपर मिक्स कर दूंगी। बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार है, अब मैं इसे ढककर साइड में रख देती हूँ। पनीर भी अच्छे से मैरिनेट हो गई है जिसको हमने साइड में रखा था मैरिनेट होने के लिए, तो अब हम इस पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक तवा, गैस को मैंने ऑन कर लिया है
तवा अच्छे से गर्म है तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 टीस्पून ऑयल। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और एक एक करके हम इसके ऊपर पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। दो मिनट हो गए हैं तो मैं इसे फ्लिप कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है। ये पनीर दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, ये फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें एक प्लेट पे निकाल लूँगी। मैंने सारे पनीर के पीसेस को फ्राई करके प्लेट पे रख लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं लूँगी ये मैदे का डो, अब मैं इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। अब मैं इसे रोल कर लूंगी एक रोलिंग पिन की हेल्प से। मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा रही हूँ। इसको मैंने रोल कर लिया है, अब मैं इसे एक प्लेट पे रख लूंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे शावरमा को रोल कर लेंगे। अब मैं इस रोटी को सेक लेती हूँ। इस रोटी को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक तवा। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये रोटी। अब मैं इसे फ्लिप कर लूंगी। ये दोनों साइड से सिक गई है तो अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूंगी और तुरंत हम इसे एक गीले कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। शावरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है और मैंने इन्हें एक कपड़े से ढककर रखा है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहें। अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब हम शावरमा के लिए डिप और सैलड बना लेते हैं। तो सैलड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये सारी सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर और ये शिमला मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, इसे मिक्स कर लेंगे। ये सैलेड बिल्कुल तैयार है, इसे भी मैं साइड में रख लेती हूँ। अब हम इसकी डिप बना लेते हैं या फिर स्प्रेड बना लेते हैं। स्प्रेड बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास जो ये मेयोनीज है इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। और दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो ये मैरिनेशन मैंने बनाया था, पनीर मैरिनेट जिसमें हमने किया था, मेरे पास ये मैरिनेशन बचा है तो इस मैरिनेशन में मैं ऐड करूंगी ये मेयोनीज। अगर आपके पास भी ये मैरिनेशन बच जाता है तो आप इसी में ऐड करें मेयोनीज। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, इसे मैं मिक्स कर लूंगी। ये स्प्रेड भी बिल्कुल तैयार है तो इसे भी अभी मैं साइड में रख लेती हूँ। अब मैं इन पनीर के पीसेस को कट कर लूंगी। ये पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी है। पनीर को मैं लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। इसे मैं इस प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। तो अब हम शावरमा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक रोटी और इसके ऊपर डालूंगी मैं ये स्प्रेड। इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी पनीर, थोड़ा सा सैलेड डालूंगी और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है बट आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल शावरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ये फ्रेंच फ्राइज भी ऐड किया है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल शावरमा की भी रेसिपी शेयर करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हमारे पास एक शावरमा रेडी हो गई है, मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। फिर से मैंने ली है ये रोटी और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ स्प्रेड। डालूंगी ये पनीर के स्ट्रिप्स। थोड़ा सा सैलेड डाल रही हूँ। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल शावरमा बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। शावरमा को यहाँ पर मैंने एक प्लेट पे सर्व कर लिया है और ये सच में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। आई जस्ट कांट वेट टू टेस्ट दिस शावरमा। तो मैं आपको अभी इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये शावरमा सच में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। इसमें मुझे सारी चीज़ों का टेस्ट आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज का भी आ रहा, पनीर का भी आ रहा, डिप का भी आ रहा, और ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।